लोक आस्था का महापर्व छठ को लेकर पूरे झारखंड में हर्षोल्लास का माहौल दिख रहा है। लोग छठ की तैयारियों में है। नहाए खाए से शुरुआत के बाद खरना होगा, फिर आगे की प्रक्रियाएं होती रहेंगी। ऐसे में हम मौजूद हैं रांची के हरमू बाज़ार में, जहां हमारे चारों ओर केला ही केला नज़र आ रहा है। आपको बता दें कि छठ महापर्व में केले का बड़ा ही महत्व होता है और जो अर्क देते हैं जो छठव्रती, उसमें केले का भी बहुत ही महत्ता होती है। ऐसे में जो सूप और दौरा जो बनता है, जो छठ माँ को चढ़ता है, उदयमान और अस्ताचलगामी सूर्य को जो अर्क दिया जाता है, उस दौरान पूजन सामग्रियों के साथ केले का भी बड़ा ही महत्व होता है। ऐसे में रांची के हरमू रोड स्थित ये बाज़ार में, इस बाज़ार में चारों तरफ केले ही केले हैं, कांधी केले से जो हैं। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश और बंगाल से बड़ी संख्या में ट्रक के माध्यम से झारखंड की ओर केले लाए जाते हैं। यहाँ इसकी नीलामी होती है और नीलामी के बाद रांची के बाज़ार में विभिन्न क्षेत्रों में केले के कांधी जाते हैं, जिसके बाद छठव्रती इस केले को लेकर छठ घाट की तरफ जाते हैं। भैया, केले का कांधी पूरा भरमार यहाँ नजर आ रहा है, कहाँ कहाँ से ये केला आता है? केला बंगाल से आ रहा है और आंध्रा से आ रहा है, दो जगह से केला आ रहा है। रांची में लगभग क्या लगता है कि 50-60 या 100 ट्रक के आसपास केला खपता होगा? नहीं, इस बार बहुत कम केला आया, 40 से 45 के बीच में आया केला। क्योंकि लॉकडाउन के बाद, कोरोना काल के बाद ये पहला छठ महापर्व है, ऐसे में क्या कुछ इसका महत्व होता है? और लोग तो हर्षोल्लास में है, ये महत्व क्या होता है केले का, कैसे क्या कुछ होता है? केला छठ में पूजा में जरूरी होता है, कंपलसरी होता है छठ के पूजा के लिए जी जी। और इसके बिना पूजा होता नहीं है, इसलिए छठ में आदमी सब अपना लेता है, जितना मेल होता है उसमें केला भी एक चढ़ता है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है पूजा के लिए। हर पूजा के लिए पीला केला बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो ऐसे में अभी जैसे कि आप लोग तो यहाँ से होलसेल कर रहे हैं या नीलामी जो भी हो रहा है, एक कांधी अगर केला लेना चाहे तो उसका रेट क्या पड़ता होगा बाज़ार में? देखिए, अभी हम लोग यहाँ पे बेचे हैं 200 से लेके 500-600 तक केला बिका है आज के मंडी में हम लोग का होलसेल रेट में। जो बढ़िया केला है वो 500-600 बिका, छोटा केला मीडियम केला 200-250 में बिका है। अब ये होलसेल रेट में बिक रहा, अब रिटेल में देखिए क्या बिकता है वो लोग को। तो बंगाल और आंध्र प्रदेश से ही केला क्यों, झारखंड में क्यों नहीं? झारखंड में पीला केला नहीं होता, यहाँ हरी छाल का केला होता है, हरा वाला केला यहाँ बड़ा वाला होता है, पीला केला बहुत कम होता है झारखंड पे। बिल्कुल, तो कृषि प्रधान देश के राज्य झारखंड, जहाँ पे 70% से अधिक लोग किसान हैं, किसानी करते हैं, बावजूद झारखंड में केले की खेती नहीं होती। यही वजह है कि आंध्र प्रदेश और बंगाल से बड़ी संख्या में केला झारखंड लाया जाता है और विभिन्न त्योहारों में इन केलों का इस्तेमाल किया जाता है। ज़रूरत है सरकार को इस ओर ध्यान देने की, ताकि झारखंड में भी वैकल्पिक तौर पर केले की खेती हो और यहाँ के लोगों को सही समय पर उचित दर पर केले मिल सके। अपने सहयोगी नवल के साथ मोइजुद्दीन, समाचार प्लस, रांची।